कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज है दूसरा दिन। इस वक्त हाथ में तिरंगा लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा में सबसे आगे चल रहे हैं और उनके साथ हरीश रावत, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा 3,570 किलोमीटर की है, जो 150 दिनों तक चलेगी और जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी। ये तस्वीरें हम आपको भारत जोड़ो यात्रा की दिखा रहे हैं। लोकेशन जगह कन्याकुमारी। साहब, राहुल गांधी की ये यात्रा भाजपा कह रही है परिवार बचाने के लिए हो रही है, ये देखो उनके पास कोई इश्यू नहीं है और कहने के लिए कोई बात नहीं है, तो ये परिवारवाद बोल के लोगों में ऐसा भ्रम कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा, यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये देश के हित में, जनता के हित में, आज जो गरीब लोग इन्फ्लेशन से तरस रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट से युवा में बहुत एक निराशदायक वातावरण है, और खास करके जो भी समस्याएं इस देश के है, उन समस्याओं को लेके वो लड़ रहे हैं, परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और परिवार के लिए अगर लड़ते हैं तो इतना दिन वेट करने की आवश्यकता नहीं थी। जो संयोजक है वो इस यात्रा में आपको नजर आ जाएंगे। दिग्विजय जी, भाजपा कह रही है परिवार बचाने के लिए यात्रा है। अगर परिवार पूरे देश हम उसको मानते हैं तो उसको क्या आपत्ति है ना, पूरा देश हमारा परिवार है, यही तो वासुदेव कुटुंबम का मतलब क्या होता है। और जिस तरीके से ये यात्रा निकली है, राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं, क्या आपको लगता है 2024 के लिए मोदी के लिए मुश्किल होने वाली है? इसको आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। इस यात्रा का मकसद आप क्या देखते हैं? इसका मकसद, अशोक जी, भाजपा कह रही है कि ये कांग्रेस की यात्रा जो है ये परिवार को बचाने के लिए है। ये बकवास है, बकवास है, कोई दम नहीं बातों में। अब ये आरोप लगाएंगे ना, वो खुद ही एक्सप्लोर हो रहे हैं देश के अंदर। ये यात्रा बहुत पवित्र पावन उद्देश्य से की गई है, शुरू साबरमती आश्रम से शुरू की गई है, श्री प्रेमदूर से शुरू की गई है, जहाँ पर गांधी जी के सत्य अहिंसा का संदेश लेके श्री प्रेमदूर से घृणा का, डर का जो माहौल होता है उसके कारण हत्या होती है। तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं चाहूँगा कि देश बचे इन बातों से। उन्हें खुद ने कल संदेश दिया है कि मेरे पिता की हत्या हो गई, वो डर नहीं रहना चाहिए दिमाग के अंदर, इसलिए हम चाहेंगे कि किस प्रकार से देश में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रहे। सर, भाजपा कह रही है कि भारत जो यात्रा राहुल गांधी को पाकिस्तान में करनी चाहिए, भारत तो एकजुट है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, जब बुखला जाता आदमी तो सही बात नहीं बोल सकता है, वो बुखलाए हुए हैं। यात्रा उदयपुर डिक्लेरेशन के आधार पर हो रही है, तभी से वो घबरा गए थे, तभी से घबरा गए थे, और उसी के आधार पर वो घबराए हुए बोल रहे हैं। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी उनका जो है घबराहट बढ़ती जाएगी। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।